हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु। और कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद आई हूँ मैं यहाँ यूट्यूब में आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि हमारा देश कोरोना वायरस से पीड़ित होकर सेकेंड स्टेज में पहुँच चुका है। हमारा देश फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुका है, यानी कि जो भी बाहर से इंडिया आ रहे हैं वो अगर पीड़ित हैं तो सिर्फ वही पीड़ित है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेज होता है और उनके द्वारा किसी लोकल पर्सन को हो जाता है कोरोना वायरस, तो ये सेकेंड स्टेज होता है। तो हमारा देश अभी इसी स्टेज से लड़ रहा है। जो भी बाहर से आ रहे हैं, उनके संपर्क में जो भी आए हैं, उनको कोरोना वायरस होने की पुष्टि हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि ये थर्ड स्टेज में ना पहुँचे। थर्ड स्टेज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बाहर आए पर्सन से नहीं मिले हो, उनके संपर्क में नहीं हो, तब भी आपको कोरोना वायरस हो गया है, तो ये थर्ड स्टेज होता है जो कि बहुत डेंजर होता है। तो फ्रेंड्स, इस समय हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। जहां एक केस भी मिला है ना, उस जगह को भी हर वक्त हैंड वॉश करें, हर वक्त हैंड सैनिटाइज करें, हाथ को बार बार मुँह में टच ना करें। और फ्रेंड्स, आप हैंड वॉश कब करें बता देती हूँ। जब भी आपको लगे कि आप बाहर जा रहे हो, आपकी चीज़ें कोई टच कर रहा है, या आपने किसी की चीज़ें टच कर ली हैं, या आपसे किसी ने हाथ मिला लिया है, तो प्लीज़ आप हैंड वॉश ज़रूर करें। इसी से हम बच सकते हैं कम्युनिटी वायरस फैलने से, थर्ड स्टेज में जाने से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है। हम सब भारतवासी को अपने आप ये पहल करनी पड़ेगी। सरकार अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स घबराइए मत, डरे मत, बस जागरूक रहे। तो मैं अब विदा लेती हूँ। मेरी वीडियो आएंगी फ्रेंड्स, पर अभी नहीं आ पाएंगी किसी वजह से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।